हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग फाइनली देखो मैं आपकी बातें सुनता हूँ। आज फाइनली हम लोग खेल रहे हैं स्क्विड गेम, ठीक है। बहुत दिन हो गए हैं और हम लोगों ने रोब्लॉक्स में कभी ट्राई नहीं किया। मतलब यार इट्स रियली आयरोनिकल कि मैंने दूसरी गेम में स्क्विड गेम खेली लेकिन जो गेम मेरी चैनल पे सबसे ज्यादा चलती है रोब्लॉक्स उसी पे नहीं खेली। और तो भाई क्या नू बात भी हो भाई, आपको खेलना चाहिए था भाई। अबे कोई बात नहीं यार, आप खेलेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा है। सो गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, मैं काफी ज्यादा लेट हूँ बट आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू गाइज जैसा मैं हमेशा करता हूँ। एंड आप लोग यार हमें सपोर्ट कर सकते हो उस लाइक के बटन को दबा के, और अरे यार आपको पता है भाई हर बार क्या करना है, चलो फटाफट से गेम में चलते हैं। ऑलराइट गाइज हम लोग आ चुके हैं अपनी पहली गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट में, और ग्रीन लाइट का सिग्नल मिल चुका है दोस्तों। अरे भाई साहब ये भाई अचानक से म्यूजिक स्टॉप करके अच्छा नहीं करती है मैडम, कभी कभार हार्ट अटैक आ जाता है। और तो भाई तो आप म्यूजिक स्टॉप होने के पहले रुक जाओ भाई। अबे ये शमशेर मेरे इतने बगल बगल क्यों चल रहा है गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मारना चाहता, धक्का देगा क्या मेरे को। और तो भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या भाई। अबे रुक भाई पागल क्या, अभी देखने वेखने का समय नहीं है, मरवा देगा यार ये। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग टपुर टपुर करके मरते जा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर नहीं मरना है, नहीं तो हम लोग यार स्क्विड गेम्स के जीता कैसे बनेंगे। होस्ट भाई आपको सही में लगता है कि आप जीत जाओगे भाई। अबे जीतना छोड़ मिस्टर शमशेर, अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपके लिए आप उनके लिए जो है दो वर्ड्स एटलीस्ट इज्जत भरे कमेंट में छोड़ के जाना। होस्ट भाई गालियां ही देंगे उसको लोग। अबे भगवान मैंने इज्जत वाले बोले थे भाई, बेइज्जती कर दी तूने तो उसकी। एनीवेज यहां पर ग्रीन लाइट का सिग्नल मिल चुका है, 100 सेकंड बचे हैं और हम लोग अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये गुड़िया बहुत स्मार्ट है भाई, एकदम जैसे गाना खत्म होता है वैसे ही ग्रेड लाइट हो जाता है। और यहाँ पे पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग फिनिश लाइन पे। सच बोलो तो उतना ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि चौप भी पहुंच गया आई गेस। अबे तू पहुंचा कि नहीं। होस्ट भाई कैसे हो भाई, इधर तो आओ एक सेकंड। ओ माय गॉड एक सेकंड, रुको कहां पर हो दोस्त तुम। ओ ये हो क्या, कैसे हो ब्रो, कैसा लगा मिलके हमसे। होस्ट भाई आपके जैसे दो तीन हमशक्ल घूम रहे भाई, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कहां चले जाते हो, चलो हाथ पकड़ के यही खड़े रहो। अबे हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे तो गोली मार दी जाएगी यार, तुम पागल हो क्या। यहां पर स्क्विड गेम से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल से, समझ गए। ऑलराइट गाइस टाइम फॉर राउंड नंबर 2, और इस बार हम लोगों को यहां पर टास्क दिया गया है कुकीज काटने का। पहले आपको तो पता है यार अपन लोग कुकी काटने में कितना ज्यादा बढ़िया है, डालगोना कुकी है ये या फिर डालगोना कैंडी एक्चुअली इसको कहते हैं। तो इसको फटाफट से अपन लोग यहाँ पे सुई की मदद से काटेंगे और लेट्स गो गाइस। हम लोगों का हो गया है कंप्लीट, अब टाइम है उन दोनों नूबड़ों का देखने का तुम लोगों को कौन सा मिला है भाई। और तो भाई मेरे को तो अम्ब्रेला मिला है ब्रो। अच्छा है भाई अच्छा है, जब तू रोते हुए वापस जाएगा ना तो छाते की जैसे इस्तेमाल कर लियो इसको। और तो भाई आपको क्या लगता है मैं नेक्स्ट राउंड बाहर जाऊंगा भाई। अबे लगने की क्या बात है भाई, जो चीज भगवान ने लिख दिया है यार कि होना है तो वो अब होना है मेरे दोस्त। और भाई हो गया भाई, मैं आपके साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं अकेले जाऊंगा भाई, मैं देखना स्क्विड गेम जीत लूंगा मैं। हाँ तू जा जीत ले भाई। ऑल राइट गाइस इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट राउंड, और देखते हैं नेक्स्ट राउंड में हमें कौन से ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। ऑल राइट गाइस तो जो नेक्स्ट राउंड है इसमें हम लोगों को रात में जो मारा पीटी होती है गाइस उसको सर्वाइव करना है। और ओ माय गॉड सारी लाइटें ऑफ हो चुकी है, तो गाइस मेरा और चॉप का प्लान यही है कि हम लोग यार कोने में खड़े रहेंगे। एक तो एक्चुअली इतना अंधेरा है मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यार। और भाई आपको क्या लगता है मारा पीटी करनी चाहिए क्या भाई। एक्चुअली नहीं करनी चाहिए यार, हम लोग थोड़े अच्छे लोग है गाइस, हम लोग जो है मारा पीटी से दूर रहते हैं, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, इस छोलम छाल से दूर है इसीलिए तो चॉप और मैं मशहूर है। फर्स्ट भाई मशहूर है भाई, यहाँ पे कोई इज्जत नहीं देता है भाई, कोई जानता भी नहीं है, सब हमारी जान के पीछे पड़े हैं ब्रो, आप जल्दी ऊपर चढ़ो। अरे भाई आकर वही कर रहा हूँ भाई, वही कर रहा हूँ, रुक। ऑलराइट गाइस नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है और मारा पीटी के बीच में यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाँ अगर सर्वाइव किए तो नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं, अगर नहीं किए तो वीडियो यही पे खत्म हो जाएगी, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऑलराइट गाइस मैं और चॉप दोनों ने यहाँ पर भाई नेक्स्ट राउंड में एंट्री ले ली है, बहुत ही ज्यादा कम लोग बचे हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड इट्स बिकॉज ये गेम्स इतनी ज्यादा मुश्किल है कि ज्यादातर लोग यार बच ही नहीं पाते हैं, जस्ट लाइक अस हम लोग भी यहाँ पे तेजी से मर रहे हैं। Well, anyways, guys, now it's time कि अपन लोग जो है फटाफट से जाए, और एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है भी? ये तो स्क्विड गेम्स का हिस्सा नहीं है। और तो भाई यहाँ पे पानी आएगा भाई, अपन लोग को ऊपर पार्कोर करते हुए जाना है ब्रो, जल्दी भागो। अरे रुक जा भाई एक सेकंड, गेट तो खोलने दो इनको। ऑलराइट गेट खुल गया है दोस्तों, भागो जिसको अपनी जान प्यारी है भाई भाग जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, इससे बेटर मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेट्स गो भाई, कहाँ पार्कोर है, अभी सिर्फ सीढ़ी चढ़वा रहे यार, ये तो बस नॉर्मल जॉगिंग पे भेज दिया इन लोगों ने। और भाई जॉगिंग नहीं है भाई, अभी देखना पानी नीचे से बढ़ रहा है। ओके एक सेकंड गाइस, अगर ये बोल रहा है तो सच्ची में बढ़ रहा होगा, अभी मैं बस देखने का भी टाइम नहीं है। लेट्स गो भाई, इससे पहले कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए। ओ भाई एक दो बंदे तो नीचे गिर गए यार, देखो एक्साइटमेंट अच्छी चीज होती है दोस्तों, लेकिन इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं करना चाहिए कि तुम मर ही जाओ। ओ भाई नीचे सही में पानी आ रहा है गाइस, रुको यहां पर इन लोगों ने इंडिकेशन दिया चेक पॉइंट लेने का, जल्दी से चेक पॉइंट लो, निकलो यहां से भाई। फोर्ट भाई मैं आपके पीछे हूं भाई, मेरे लिए जगह रिजर्व रखना। अबे ट्रेन थोड़ी है जगह रिजर्व रखूंगा, पागल है क्या, अपने आप भाई खड़ा हो जा सेफ जोन में, मेरे को क्या बोल रहा है। ऑलराइट गाइस ये सेफ जोन है कहां पर यार, बहुत देर से मैंने ये बूढ़े बुजुर्ग
बुजुर्ग लोगों से इसके बारे में सुना था, लेकिन देखने को काश मिल जाता तो मजा आ जाता। ओके, ये सामने वाला बंदा तो कुछ ज्यादा ही यार तेजी से फुरफुरी मार के निकल रहा है। ओए भाई साहब, तुम्हें यार कुछ ज्यादा हड़बड़ी नहीं है? अब देखो गिर गया भाई, इतना हड़बड़ी सही नहीं होता यार सेहत के लिए। वही तो मैं सोचूं भाई कि बंदा गिर कैसे नहीं रहा। अब बेचारा कैसे अपनी जान को बचाते अपाते आ रहा है भाई। जल्दी भाग मेरे दोस्त, अगर तेरे को जिंदा रहना है तो। हम लोग यहाँ पर गाइस स्क्विड गेम में बस बच के एंड तक पहुंच जाए वही बहुत है। होस्ट भाई, क्या आपको सच में लगता है आप जीत सकते हो भाई? अबे क्यों नहीं लगता है भाई, आई एम अ बॉर्न विनर। वो अलग बात है, बीच में यार बिल्ली रास्ता काट के चली जाती है तो मैं हार जाता हूँ। वाह फोस्ट भाई, मतलब खेल लावे आंगन टेढ़ा, बिल्ली पे क्यों अल्जाम लगाते हो येड़ा? अरे येड़ा बोलता है मेरे को, रुक अभी टेढ़ा पेड़ा बनाता हूँ। आ इधर इधर आ, जल्दी आ तू। गाइस बाय द वे, हम लोगों ने यार सबसे पहले एंट्री मारी है भाई, मतलब अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। फोस्ट भाई, यहाँ पे तो बहुत बड़ी मच्छरदानी लगी है भाई, यहाँ पे मच्छर काटेगा क्या? अबे मच्छर, सीरियसली इस सिचुएशन में तेरे को मच्छरों की पड़ी है भाई? हम लोग यहाँ पे जिंदा खड़े हैं, भगवान को यार 3-4 बार जाके यू नो 3-4 किलो लड्डू चढ़ाओ, 3-4 बार जाके यानी 16-20 किलो। अरे बाप, नहीं नहीं नहीं, एक बार काफी है भाई, इतना ज्यादा बजट तो हमारा भी नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अब सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा यार नेक्स्ट राउंड में चलते, क्यों यहाँ पे फालतू का मगजमारी करने का, ऐसे यार इनके राउंड इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ओके सो गाइस, हम लोगों ने पार कर लिया है यहाँ पर वो भी राउंड, और अब आ चुका है आर नेक्स्ट गेम इज टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सियां दे दी गई है दोनों टीम में, 4-4 बंदे दे दिए हैं। सामने वाली टीम में चॉप है, टीम में चॉप है, और हम लोग यहाँ पर क्लिक करना है, एक्चुअली क्लिक करके जीतना है क्या? फोस्ट भाई, ये लोग तो यही बोल रहे हैं भाई, क्लिक करना होगा लगता है। ओके ओए सही में क्लिक करना है, अबे खींच भाई जल्दी खींच। फोस्ट भाई, जीतना नहीं दूंगा। अबे मेरी टीम में से कौन क्लिक नहीं कर रहा है भाई? ओबे भाई, तेरी टीम तो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई बीच में। ओ शिट, चॉप ध्यान रख, सही में मर जाएगा तू। फोस्ट भाई, ये लोगों ने मदद नहीं किया, मैं सही में मर रहा हूं भाई। अबे बेचारे, देख दोस्त, अगर तू मर गया या मैं मर गया तो टेंशन मत ले, हम दोनों में से कोई एक स्क्विड गेम जरूर जीतेगा, ये वादा करना। फोस्ट भाई अलविदा दोस्त, अपनी दुआओं में याद रखना ठीक है? अरे दुआओं छोड़ भाई, तू तो मर गया, ये टीममेट इन लोगों के बाकी क्यों नहीं मर रहे यार? अच्छा नहीं लगा गाइस, पहली बार हमारे दोस्त को हम लोगों को धोखा देना पड़ा। क्विड गेम के बारे में सुना था कि यार अच्छे अच्छे दोस्ती टूट जाती है यहाँ पे, ना बाप परा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया यहाँ पर दोस्तों, पूरा जो नियम है वो पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन ये आखिरी बंदा गिर क्यों नहीं रहा है भाई? ये क्या हैकर आदमी है भाई? ओट भाई, आप लकी हो गए भाई, आप हैकर की टीम में नहीं थे। अबे लकी मैं हुआ या तू हुआ भाई? तू हैकर की टीम में होने के बावजूद हार गया, व्हाट द हेल मैन, मेरे को कैसे लकी बोल रहा है तू? ओट भाई, लेकिन हैकर सबसे लास्ट रूम में खड़ा था, इसलिए भाई मैं मर गया। चलो कोई बात नहीं दोस्त, अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में। अबे ये तो ग्लास ब्रिज वाला राउंड है, अबे इसको कैसे पार करूंगा मैं? ओट भाई, आपको 3-4 लोगों को धोखा देना पड़ेगा भाई, तभी पहुंच पाओगे उधर। अबे लेकिन धोखा देने के लिए सिर्फ 3-4 ही तो लोग है भाई, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कितने सारे ग्लास ब्रिज है यार, उसके बाद मैं कैसे पता लगाऊंगा? फोस्ट भाई देखो, कोई ब्रेव इंसान जा रहा है भाई आगे, उसके पीछे पीछे चले जाओ भाई। ओके तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे यहाँ पर दोस्तों। अबे पहला बंदा कितना फुद्दू था यार, यही पे गिर गया। ओ ये कौन है भाई, इसको ट्रिक पता है यार? अरे भाई साहब, ये तो प्रो प्लेयर निकला गाइस, ये एकदम फटाफट जंप कर रहा है, देख रहे हो भाई साहब? इसको फॉलो करो, जल्दी करो भाई, देख रहे हो? ओ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, चल चल तू रास्ता दिखाते रहे। फोस्ट भाई, आपको तो यार मस्त बंदा मिल गया भाई। अबे क्या बोलूं यार, पहली बार लाइफ में गाइस इतना अच्छा बंदा मिला। एक सेकंड, सब लोग मर गए क्या हमारे अलावा? फोस्ट भाई, समय बहुत कम बचा है, भागो भाई, आप इधर पीछे आगे मत देखना ठीक है? अरे भाई मेरे को कहीं कोई हॉर्न सुनाई दे रहा है। अरे बच गया, ओ भाई लास्ट वाला गलत था मेरा, लेकिन किसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पार कर लिया। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, अगर लास्ट राउंड मेरे तुम्हारे बीच हुआ तो हम लोग जो है पार्टी करेंगे ठीक है? फोस्ट भाई, आप ही दोनों के बीच में होने वाला है वैसे, आपको बता दूं मैं। अरे यार तूने मजा खराब कर दिया भाई, अब क्या करेंगे भाई, इससे लड़ेंगे हम लोग? इतना बेचारा मायूस लड़का है ये यार, इसने मदद की हमारी इतनी ज्यादा। फोस्ट भाई, आप तो यार टॉप 2 में पहुंच गए भाई, मरना मत ठीक है भाई? अरे यार मेरे को, मैं चाहता हूँ ये भी जीत जाए यार, एक्चुअली गाइस आई रियली वांट कि ये बंदा भी जीत जाए, लेकिन पता नहीं यार क्या होगा। फोस्ट भाई, ये देखो ये आपके ऊपर हथियार नहीं उठा रहा है भाई, ऑल्दो आप इसको मार सकते हो। अरे हाँ, ये वाले राउंड में तो गाइस हम लोगों को फिर से एक दूसरे को मारना है, लेकिन इस बार हम लोगों को वेपन नहीं दिया गया है, व्हाट? फोस्ट भाई, मेरे को लगता है वेपन आता ही होगा भाई। अबे नाम लिया शैतान हाजिर दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दी है और बेसबॉल बैट हमारे हाथों में है। ए भाई तेरे को लड़ने का है क्या? फोस्ट भाई, मेरे को लगता है इसने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए, ब्रो इसको मत मारो। ओके गाइस, लगता है ये नहीं लड़ना चाहता है, ठीक है दोस्त, हम लोग भी यहाँ पे खड़े होकर बस इंतजार करते कोने में, ना तुम लड़ो ना हम लड़ते हैं। ओह भाई फाइनली ये राउंड खत्म हुआ गाइस, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा है, हम लोगों ने यार एक दूसरे को धोखा नहीं दिया दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था वही हुआ। और अब हम लोग आ चुके हैं कंचों के राउंड में, इस राउंड में यार हम लोगों को एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया इन लोगों ने यार, कंचे के राउंड अभी दे रहे हैं व्हाट? हम लोगों को इसमें सही नंबर ऑफ कंचे जो है गेस करने, 5 राउंड है, अगर 5 राउंड को हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, अगर नहीं सर्वाइव कर पाए तो हम लोग मर जाएंगे गाइस, लेट्स सी क्या होता है, प्लीज गॉड बचा लियो, प्लीज गेसिंग वाला काम मेरे को मत दियो। फोस्ट भाई, अगर गेस करने को दिया तो आप कौन सा चूज करोगे भाई, इवन नंबर या ऑड नंबर? भाई मेरे को लगता है यार इवन या ऑड, अबे कुछ नहीं बता सकता, पहले देखने दो। ओके तो हम लोगों के पास 7 मार्बल्स है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके पास इवन नंबर में होंगे, तो हम लोग यहाँ पर इवन सेलेक्ट करते हैं। कम ऑन प्लीज सही हो जा। ओ
भाई गलत हो क्या मेरा आंसर? शिट गाइस अब मेरे पास सिर्फ 5 मार्बल बचे। यार क्या करूँ क्या करूँ, इस बार ऑड सेलेक्ट करूँ क्या, इवन सेलेक्ट करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इतनी ज्यादा टेंशन ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं ऑड दबा देता हूँ, जो होगा सो होगा भाई। ओ यस, हम लोगों का आंसर सही हो गया गाइस। चलो अब मेरे पास 1 मार्बल और मिला, यानी कि गलत आंसर पे 2 मार्बल छीन लिए जाते हैं और सही आंसर पे 1 मार्बल दिया जाता है। तो इस बार हम लोग इवन नंबर के साथ जाते हैं, क्या पता मेरा आंसर सही हो जाए। कम ऑन, ये नहीं, ये क्या था भाई, हम लोगों के 2 मार्बल चले गए दोस्तों। यार शिट मैन, मैं बहुत बुरा हार रहा हूँ, प्लीज एक और चांस सर्वाइव करवा दो, मेरे को लगता है ये लास्ट चांस होने वाला है गाइस। फोर्टू भाई क्या लगता है आप जीत पाओगे? अरे फिर से गलत हो गया। अरे यार ये लास्ट चांस नहीं था दोस्तों, अभी एक और है। ऑलराइट फोर्टू भाई, देखो मैं बोलता हूँ भाई, इस बार ऑड के साथ जाओ। अबे तेरे बोलने से पहले ही मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर ऑड। ऑलराइट लेट्स सी क्या होता है। और ये हम लोग जीत गए, यस भाई हम लोग पहली बार गाइस फाइनल राउंड में जा रहे हैं, और अब हम लोगों ने ये कंचे वाला राउंड भी क्लियर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम देखने का कि कौन बनता है स्क्विड गेम का विनर दोस्तों। भाई पहली बार मैं तो एक्चुअली नहीं खेल रहा हूँ, ये दूसरी बार है हमारा, लेकिन मैं पहली बार इतना आगे आया हूँ। ओ माय गॉड गाइस, हम लोग लिटरली फाइनल राउंड में आ चुके हो, यहाँ पे बंदों की लाशें गिरी हुई है। यार ये तो वही सारे लोग है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की थी यार, आई एम सो सॉरी यार इन लोगों के साथ ऐसा हुआ। एंड वो बंदा यार अब उसको धोखा देना पड़ेगा दोस्तों। भाई यार क्या बोलूं भाई, अब सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट हो गई है भाई, आप उसको सही में धोखा देना पड़ेगा ब्रो, अगर आपको जीतने का, नहीं तो आप दोनों को मार देंगे ये लोग। सॉरी दोस्त, लेकिन तूने अपना बेसबॉल बैट निकाल लिया है तो मेरे को भी निकालना होगा। ये ले भैंस की आंख, मर मर तेरी ऐसी की तैसी। फोर्टू भाई नहीं 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 भाई, वो मेरे को नहीं लगता आपको मारना चाहता है भाई। अरे भाई ये मारना नहीं चाहता पागल है क्या, एक एक डंडा मारा तो इसने हमारे सर पर। भाई इसने पहले धोखा दिया दोस्तों। नो भाई, अबे भाई खुद डंडा मार रहा है मेरे को बोलता है। एनीवेज गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर अपना लाइफ का पहला धोखाधड़ी किया है, आई एम सो सॉरी मेरे दोस्त, दुनिया में तुझे याद रखेंगे लोग बहुत आने वाले सालों तक, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को स्क्विड गेम का चैंपियन घोषित कर दिया गया है दोस्तों। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।